और अब बात करते हैं एमएलसी चुनाव की। विधानसभा में प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करने के बाद अब भाजपा ने विधान परिषद चुनाव में भी बड़ी जीत के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। भाजपा के 9 प्रत्याशियों का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है, जिसके बाद 27 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान होना है। और इसके लिए भाजपा ने अपने वोटर्स को 3 श्रेणी में बांट दिया है, जहां भाजपा मुख्यालय में बने कंट्रोल रूम से हर मतदाता से संपर्क किया जा रहा है और फोन पर मिले फीडबैक के आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा जा रहा है। जो मतदाता भाजपा के फिक्स वोटर हैं, उन्हें ए कैटेगरी में रखा जा रहा है। जो आने पर तय करेंगे कि उन्हें किसे वोट देना है, जो चुनाव आने पर वोट तय करेंगे, तो उन्हें बी कैटेगरी में रखा जा रहा है। और जो भाजपा को वोट नहीं देने की बात कर रहे हैं, उन्हें सी कैटेगरी में रखा जा रहा है। साफ है कि भाजपा ने एमएलसी चुनाव के लिए मजबूत रणनीति बनाई है और 365 दिन चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी विधान परिषद चुनाव के लिए बिल्कुल भी कोताही नहीं बरत रही है। विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से वापसी के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने परिषद के चुनाव को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और लक्ष्य है 36 की 36 सीटों को हासिल करना। हालांकि इसमें से 9 सीटें पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी हैं, भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में दिख रही हैं। बाकी सीटों के लिए जो चुनाव होंगे उसे लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने खास रणनीति तैयार की है, जिसके तहत अपने वोटर्स को 3 अलग अलग श्रेणी में बांटा है। और इन लोगों से जो मतदाता हैं इस चुनाव के, उनसे लगातार पार्टी संपर्क कर रही है कंट्रोल रूम के माध्यम से। और इसके माध्यम से कोशिश यही कि कैसे सारी सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। यूपी में लगातार अधिकारियों पर एक्शन लिया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में कई अधिकारियों पर भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर गाज गिर चुकी है। औरैया के डीएम पर कार्रवाई के बाद भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया ने इटावा के डीएम श्रुति सिंह की भी जांच कराए जाने की मांग की है। इसको लेकर एबीपी गंगा संवाददाता अविनाश तिवारी ने भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया से खास बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। सरकार लगातार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, पहले सोनभद्र के डीएम फिर औरैया के डीएम। इसी को लेकर एक ट्वीट किया है इटावा के सांसद रामशंकर कठेरिया ने, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, कल आपने ट्वीट किया था कि औरैया के जेल अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है, इटावा के भी जेल अधिकारी की जाँच होनी चाहिए। नहीं, औरैया के जिलाधिकारी की शिकायतें थी और उस पर बहुत सारे लोगों ने उनकी शिकायतें सरकार को भेजी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अच्छा निर्णय किया है और उनकी जांच में दोषी पाए गए, उसके बाद उनको सस्पेंड किया है। मैंने ये ज़रूर कहा है कि हमारे इटावा में भी इसी तरह जांच होनी चाहिए। यूपी में भ्रष्टाचार अधिकारियों की शामत आ गई है। कल औरैया के डीएम सुनील वर्मा को सस्पेंड किया गया था और आज सुबह से ही आईएएस सुनील वर्मा के करीबियों पर विजिलेंस ने छापेमारी शुरू कर दी है। आईएएस सुनील वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और इसी वजह से उन्हें सस्पेंड करते हुए विजिलेंस को जांच सौंप दी गई है। सुनील वर्मा ने 2021 में औरैया में कार्यपदभार संभाला था। आरोप लगा है कि जब से उनकी तैनाती हुई है, विकास कार्यों में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया गया। इसकी शिकायत पिछले साल इटावा के भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया ने भी की थी।